दोस्तों बात करेंगे ऐसी ब्रोफाइलिन ड्रग के बारे में कि ये क्या होता है, किन बीमारियों में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, और ये होती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो देख सकते हैं जानकारी पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों ऐसी ब्रोफाइलिन ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित ड्रग होती है, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा श्वसन तंत्र, फेफड़ों पर काम करने वाली दवा है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, कहने को एक ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है, ब्रोंको डायलेटर है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारी ऐसी समस्याओं में चलता है जहाँ पे आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज, ठीक है। तो ये जो एसी ब्रोफाइलिन है मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। और इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो एफ फाइल आता है दोस्तों, एक एससी ब्रोविड आता है, और जेमलेक्स आता है, एस्कोवेंट आता है, ए वी फ्लो आता है, सोमी मार्केट ब्रांड्स, ठीक है। तो बात करेंगे कि ये जो एसी ब्रोफाइलिन है ये स्ट्रेंथ क्या है इसकी मार्केट में अवेलेबल, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर सिरप की बात की जाए तो 50 मिलीग्राम पर ml का इसका सिरप भी मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे यूजेस की, ऐसी ब्रोफाइलिन किन किन समस्याओं में चलाया जा सकता है। तो देखो ड्राई राइनाइटिस, राइनाइटिस क्या होता है, एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, जिससे बोलते हैं हे फीवर बोल देते हैं कई बार। तो ड्राइड मतलब कि ऐसा लगता है आदमी को एलर्जी हो रही है लेकिन सब सूखा सूखा सा महसूस होता है, ड्राइनेस हो जाती है, पूरे नाक वगैरह सब ड्राई हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ड्राई राइनाइटिस। साइनोसाइटिस में भी होता है, कई बार ऐसा सूजन आ जाती है पूरा चेहरा, दर्द होता है, सरदर्द होने लगता है, तो साइनोसाइटिस उसमें भी ये काम करेगा। मेन चीज़ क्या है, COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी डिजीज, जो COPD कहते हैं, इस पर मेरा वीडियो है आप वो देख लेना, उसमें भी इसको चलाया जा सकता है COPD की समस्या में। उसके साथ ही अस्थमा, अब ये अस्थमा का प्रोनाउंसेशन पर मेरे को कमेंट मत करना, एस्मा बोलते हैं वैसे तो, लेकिन नॉर्मली हम इंडियन अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तो एस्मा में भी चलता है इसको, एस्मा में, और ब्रोंकाइटिस, ये सारे समस्याओं में आपने देखा होगा कि जो लंग्स की जो ब्रोंकीज हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे म्यूकस जमा हो रहा है और फिर आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तब इस ऐसी ब्रोफाइलिन को टैबलेट के फॉर्म में दिया सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं कि उसके यूजेस। अब बात करेंगे कि काम कैसे करता है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्रोंको डायलेटर है, तो ये और कहने को ये जेंथाइन डेरिवेटिव्स कहलाती हैं, ड्रग्स जो होती हैं जेंथाइन डेरिवेटिव्स होती हैं, ठीक है, ये भी क्लियर रखो। ये क्या करता है कि जो ब्रोंकीज होती हैं इनमें क्या होता है, समय के साथ म्यूकस जमा हो जाता है, इतना डायमीटर है तो वो म्यूकस जमा जमा होते होते सकरा हो जाता है रास्ता, तो फिर सांस लेने में तकलीफ आएगी, जाहिर सी बात है। तो ये क्या करता है, ब्रोंकीज को थोड़ा डायलेट करता है, डायलेट करता है, कैसे करता है, ये मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, इस वजह से तंग हो जाती हैं ब्रोंकीज, तो उनको क्या डायलेट कर देता है, पाथवे को अच्छा बनाता है, मतलब कि इट्स मेक्स द ईजियर पाथवे फॉर द एयर फ्लो, ठीक है, तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, आदमी को आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये है एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो दूसरी दवाइयाँ आती हैं डेरिफाइलिन वगैरह उनसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि इसको तभी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऐसे वो फाइलन को इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियाँ होती हैं जो कि पता होना चाहिए। कैसी सावधानियाँ हैं कि साथ में आप फ्यूरोसोमाइड की जो ड्रग होता है वो नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पोटेशियम का लेवल कम होता है, ठीक है। तो जब भी ये ऐसी ब्रो फाइलन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं ए फाइल या ऐसी ब्रो वेड जो भी टैबलेट्स आती हैं, तो साथ में ध्यान रहे कि फ्यूरोसोमाइड ना दें। और तो और दूसरी सावधानी ये हो सकती है कि भाई आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को आँख बंद करके नहीं दे सकते जिसकी कोई स्मोकिंग हिस्ट्री रही हो, जिसके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो, वीक हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा नहीं देना, वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं चलेगा, ठीक है। लिवर किडनी की समस्या है, लिवर में कोई इंजरी है, तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है देने के लिए, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहीं बात की जाए दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की पूछते हैं लोग, तो देखो प्रेगनेंसी में बहुत तो मतलब ऐसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दिया सकता, देने को दिया जा सकता है, ठीक है, फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लगेगी, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी यही चीज़ रहेगी। वहीं बात की जाए कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो देखो एपिगेट गैस्ट्रिक पेन होता है, मतलब कि हमारे पेट में, हाथों में या स्टमक तरफ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि इससे पेट फूलता है,
उल्टियाँ होती हैं, सर दर्द होने लगता है और यही सब कुछ होता है, और जो कि 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है। अगर ज़्यादा ही समस्या हो रही है तो डॉक्टर को बताओ, फिर वो चेंज करेगा कि आपको क्या देना है, कौन सा ब्रोंको डायलेटर देगा वो आपको। बात करेंगे डोज की, डोज बहुत ही सिंपल है, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है। तो कोई भी एडल्ट व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है, 18 साल से उम्र ज़्यादा है, तो उसको 100 मिलीग्राम सुबह शाम दिया जा सकता है, ठीक है, सुबह शाम दिया सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इतने दिन चलाया जा सकता है, ठीक है, 7 दिन से लेकर 14 दिन तक। अगर समस्या में आराम नहीं मिल रहा तो 14 दिन तक चला सकते हैं, फिर भी नहीं मिल रहा तो फिर ये चेंज करना पड़ेगा या इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ये है इसकी दोस्तों। और दोस्तों कोशिश करें कि इस टाइम पर दें, और अगर इवनिंग में देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ओडी में भी चला जा सकता है अगर कम समस्या है तो, और फूड के बाद दें, मतलब खाने के बाद दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये होता है दोस्तों क्या ऐसी ब्रोफाइलिन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पर तो चलो सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, ठीक है, तो मैं हूँ शिवम, मैं मिलता हूँ अगले दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।